सरकारी सिस्टम किस तरह से विकास के नाम पर विनाश की इबारत लिख रहे हैं, ये आज हम आपको बताते हैं। रुद्रप्रयाग जनपद में इस प्रकार की तस्वीरें पहले भी आपने जरूर देखी होंगी और सुनी होंगी, लेकिन सरकारी सिस्टम लोगों के घरों और गांवों को उजाड़ने में इतना अभ्यस्त हो गया है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये तस्वीरें आपको डरा रही होंगी, लेकिन इन मोटी मोटी दरार पड़ी मकानों में लोग रहते हैं, ये सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ, सही सुना आपने। अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर विकासखंड जखोली के मुन्ना देवल के लोग इन खतरनाक मकानों में रह रहे हैं। ऐसे हालातों के लिए जिम्मेदार है लोक निर्माण विभाग। लोक निर्माण विभाग की कोटी बड़मा 2 किलोमीटर मोटर मार्ग ने थाती बड़मा और मुन्ना देवल के कई परिवारों के घरों को उजाड़ दिया है, तो गाँव में तबाही की दहलीज पर अब लाकर इन गाँव को खड़ा कर दिया गया है। जबकि काश्तकार की करीब 1300 नारी सिंचित जमीन भी इस मोटर मार्ग की भेंट चढ़ गयी, जो की यहाँ पे रोड के कटने से सर जो है यहाँ पे मकान मेरा क्षतिग्रस्त हो गया। मैंने सारे विभाग को पटवारी को बोला और डीएम साहब के पास भी गया हूँ, जिसके कारण से जो है कि मेरे कोई प्रशासन नहीं सुन रहा है। यहाँ पे गांव ग्रामीण लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। मुन्ना देवल का गरीब महिला छा हम और 25 बार है गया, हमें 25 बार हमारे खर्च हो गया, हमारे कोई न तो मो जमीन हो और न तो PW वाला रोड का काटन देना, हमारी सारी जमीन खत्म हो गया। हम भूखन माना एरिया में हमारी जमीन सारा कटेगी, आप कृपा करी देंगे तो हमारी जमीन निस्तार करा कि हम सड़क पर भूख हड़ताल में बैठना। दरअसल 2010 में लोक निर्माण विभाग ने 65 लाख की लागत से कोटी बड़मा 2 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य किया। इसमें करीब 27 लाख रुपए काश्तकारों की काटी गई जमीन का दिया गया, जिसमें करीब 9 लाख रुपए ग्रामीणों को दिया जा चुका है। ग्रामीणों का आरोप है कि लोक निर्माण विभाग के द्वारा सड़क का अलाइनमेंट को चेंज कर दिया गया, इस कारण क्षेत्र में एक बड़ा भूस्खलन तैयार हो गया, जिसमें बड़ी मात्रा में किसानों की खेती को तबाह कर दिया और कई घरों को भी ध्वस्त कर दिया है। सर ये सड़क जो है कोटी बैंड थाती बड़मा गंडयाल मंदिर धरियान के नाम से इसका अलाइनमेंट था और 2015 में इस सड़क को जो है लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा काटा गया। काटने की परिस्थितियां भी ऐसी थी कि लोगों की जो है धान की फसल थी और धान जो है यही मौसम था, परंतु विभाग ने लोगों की धान या तमाम प्रकार जो भी फसल थी उस फसल को भी नहीं देखा। ठेकेदार ने जो है लोगों की फसल में JCP चला दी। तो हमारे विद्यालय के लिए आया था, जो कि हमारा विद्यालय में भी कोई काम नहीं हो रहा है, लाखों का बजट वहाँ भी साफ हो गया है, न गांव की रोड बनी है, न गांव वालों के लिए सुविधा है, लोग पैदल आ रहे हैं, बराबर उतना ही किराया भी दे रहे हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ इस रोड से गवर्नमेंट को, इस पैसे को अनावश्यक खर्च करने से गवर्नमेंट को क्या मिला है? इस पर गवर्नमेंट ज़रा ध्यान दे। और यहीं पर इस दिनेश लाल का मकान है, जो कि रोड आने से उसकी मकान भी ध्वस्त हो गई है, उसे भी कहा जा रहा है कि तुझे 5000 रुपये देते हैं, हो गए, हमने दूर से देख लिया तेरी मकान दरारा रखे हैं मात्र। इस प्रकार से पूरी जनता यहाँ की परेशान है, देखना नहीं आ रहा और कोई भी इसमें सुनवाई भी नहीं हो रही। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता का कहना कि पूर्व में जब सड़क निर्माण किया गया था तो उक्त स्थान पर किसी भी प्रकार का भूस्खलन जो नहीं था, 2-3 वर्षों में मानसून सीजन में अत्यधिक वर्षा होने के कारण इस क्षेत्र में ये जून तैयार हो गया है। कटिंग से नहीं कह सकते, आपने देखा होगा एक खास जो क्षेत्र है, जो खास पॉकेट है, उसमें वो जो पहाड़ का हिस्सा है वो नीचे से ऊपर तक वो एक साथ नीचे आ रहा है। तो फिलहाल तो अब चूंकि वहाँ की ज़मीन सूख चुकी है, तो हमने मार्ग को सुलभ करा दिया सभी प्रकार के वाहनों के लिए, और साथ ही साथ हमने पूरे सड़क का प्रोडक्शन के लिए 41 लाख का आकलन गठित किया गया, जो हम राजनीतिक उसकी मांग कर रहे हैं। भले ही हमारी सरकारें गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछाकर अंतिम छोर के व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाने की हामी भर रही हों, लेकिन लापरवाहियों का आलम आज तक ये है कि इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। अब बड़ा सवाल ये है कि विनाश पर आधारित इस विकास से पलायन ही होना है, तो फिर ऐसी सड़कें किसके लिए हैं? संवाद 365 के लिए रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा की रिपोर्ट।